हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। श्री श्रद्धा टेस्ट गार्डनिंग में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जेट प्लांट के बारे में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कितना खूबसूरत और कितना घना झाड़ीदार हो गया है और बहुत ही इसकी जल्दी ग्रोथ हुई है और हमने बहुत सारे इसके प्लांट भी बनाए हैं। और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती विशेष बात यह है कि इसको आप चाहे जैसे शेप दे सकते हैं, चाहे लंबा घना चौकोर झाड़ीदार बनाएं, हैंगिंग बास्केट बनाएं, जैसे भी आपको चाहिए शेप दे के जिसको जितना अच्छा आता है आप बना सकते हैं अपने कला के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल छोटी से छोटी पॉट में लग जाता है और एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। आप इसको मिट्टी में ऐसी फेंक दे, आप मिट्टी में पड़ा रहेगा, थोड़ा हल्का मॉइस्ट हो मिट्टी, ये अपने आप से मिट्टी में तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि इंडोर आउटडोर दोनों चलता है, लेकिन इंडोर मेरे समझ से तो ये नहीं है। वैसे इंडोर में भी चलता है, ये ख़राब नहीं होता है, बस मिट्टी में पानी कम दें, लेकिन आउटडोर ही ज़्यादा ग्रोथ करता है। क्योंकि मेरा ये बिल्कुल पौधा जो बाहर ये रखे थे बड़े वाले तो चल रहे हैं, जो हाँ मैंने खिड़की में रखा है कुछ पौधों को, जैसे वो रखे हैं और ये कब के लगे हैं, 2-3 माह के चल तो रहे हैं। सिर्फ इसमें जब ये सूर्य नारायण डूबते हैं तो 5 के बाद धूप आती है, गर्मी में 5 के बाद तो 6 तक लगती है, बहुत ही कम वो लाइट, हल्की लाइट होती है। और अभी 4 से लगती है तो 5 तक है, अभी समय दिन जल्दी डूब जाता है तो उसकी ग्रोथ नहीं, जबकि 2-3 माह का ये डिब्बों में ये रखा है। ये ऐसे कई सारे पौधे रखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी जगह रखा था दोस्तों जहाँ उगते ही सूर्य की 11 बजे तक धूप पड़ती थी, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो बरसात हो। मई जून में थोड़ा अलग रख दिए थे कि वहाँ बस 9:30 तक की धूप लगे। तो इसकी आप ये देखिए ग्रोथ, खुद आप देख लीजिए स्वयं, इतने पत्ते पास में घने हैं, कहीं आपको ब्रांच नहीं दिखाई दे रही, इतने घने पत्ते हैं और इतने सारे इसकी ब्रांच हैं, बिल्कुल पत्तियों मोटी मोटी चमकदार पत्तियों से बिल्कुल भरा पड़ा है, इतना घना हो गया, गुथा है एकदम से। ये देखिए कहीं से आप, तो धूप का इसलिए हम तो कहते हैं सन लविंग प्लांट है, बस कड़ी धूप में ना रखें, बाकी सुबह या शाम की धूप 3-4 घंटे की लगे बहुत बेस्ट होता है, लगता है धूप ही इसकी विशेष खाद है। बाकी इसको नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए, तो चलिए खाद के बारे में बात करेंगे, मिट्टी और पॉट के बारे में। तो दोस्तों पहली बात तो है, पॉट इसके लिए छोटे से छोटे पॉट में चाहिए, जैसे भी इसमें झाड़ीदार बहुत बड़ा हो गया है, छोटे से पॉट में हमने लगाया था, इतना इसकी ग्रोथ बढ़ गई है। तो इसकी रूट बॉन्ड तो अभी नहीं हुई, अभी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन जैसे ही फरवरी आएगी, अब जनवरी में इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, दिसंबर जनवरी 2 माह ठंड में, जैसे ही फरवरी लगेगी इसको हम दूसरा प्लांट दे देंगे, सॉरी हाँ पॉट दे देंगे, जिससे ये इसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो क्योंकि बड़े पौध में बहुत ज़्यादा जड़ें बनती हैं, वैसे इसमें इसकी जड़ें कम बनती हैं, रूट बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है इसमें जड़ें, फिर भी जैसे पौधा इतना घना इतना बड़ा हो गया है तो दूसरा पॉट हम इसको दे देंगे, कम से कम जो 6-7 इंच का रहेगा, अब ये 3-4 इंच के है पॉट। और दोस्तों मिट्टी इसकी बिल्डन हो, एकदम भुरभुरी मिट्टी, तो हम तो बस ऐसी बनाते हैं कि 50 अगर गार्डन सॉयल है तो 30 सैंड करते हों और 20 खाद कर देते हैं, वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद, कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद अच्छी, तो 30% सैंड, 20% खाद और 50 मिट्टी लेते हैं। तो ये दोस्तों हो गया, और कटिंग बिल्कुल छोटी सी छोटी, अगर आप इतनी बड़ी ये कटिंग भी आप छोटी सी भी आप ऐसे मिट्टी में आप डाल दें, ये पत्ते हटा के ये किनारे के पत्ते ये तोड़ दें और आप ऐसे इनको रख दें, अभी इसमें पानी ज़्यादा हो गया है, तो ये पौधे अपने आप से रेडी हो जाते हैं बहुत ही जल्दी दोस्तों, जल्दी ये कंप्लीट लगता है। और फ्रेंड्स, आप ठंड आ रही है अभी, तो दिन बिल्कुल गर्म होते हैं, रात हल्की ठंडा किस समय हो जाती है 1 सप्ताह से, तभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही मौसम ठंडा होगा तो आप किसी बालकनी के नीचे रखें जहाँ इसको धूप मिल जाए, लेकिन रात की जो गलन भरी ठंड है या जो कोहरा वाली टेम्परेचर है, गलन वाली, उसको उसमें ना पड़े, क्योंकि पत्तियाँ फिर गल जाती हैं, ग्रोथ इसकी ठंड में रुक जाएगी लेकिन जो पत्तियों की खूबसूरती है वो चली जाती है, गलने लगता है। तो इसको हम किसी बालकनी या पोर्च के नीचे रखें। और दोस्तों खाद कोई कुछ भी बताए कि ये चाहिए वो चाहिए, तो इसके लिए हमने ये महसूस किया कि सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, उसका लिक्विड आप डाल दें या गोड़ा करके बने, इसमें तो मैं इस समय लिक्विड डालती हूँ, गोड़ा करने से ब्रांच टूट जाती है, पर कुछ पौधों में मैं गोड़ा करके डालती हूँ, कुछ में लिक्विड, जैसा भी मुझे, मैं 1 माह में 1 बार ही देती हूँ,
तो सड़ी हुई गोबर की खाद मेरे पास है वो देती हूँ, या कि चाय की पत्ती से अच्छी हमको कॉफ़ी, ये मैं ज़रूर एक माह में कोई भी खाद दे देती हूँ। अगर ये सब कुछ आपके पास ना हो तो जैसे ये पॉट है तो 1 लीटर पानी में 4-5 दाने DAP का लिक्विड आप इसको दे सकते हैं। DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होता है, जो कि ये जड़ों को मजबूत, ये जड़ें और जो ब्रांच को मजबूत करता है, नहीं तो ब्रांच इसकी थोड़ा सा टच करो तो टूट जाती हैं। तो ये सारी खाद हैं दोस्तों, और सबसे बेस्ट है मिट्टी मॉइस्ट रहे और धूप में रखा रहे तो बहुत ही अच्छे से चलता है। हमने इंडोर आउटडोर दोनों रख के देखा है तो आउटडोर हमको ज़्यादा पसंद आया, ज़्यादा उपयुक्त लगा इसके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज की जानकारी प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।